अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको पेपर पे कटिंग बताएंगे। 5 से 6 साल की बच्ची के लिए आराम से आ जाएगा। तो मैं आपको छोटा साइज कट करना बता रही हूँ, आप सेम इसी तरीके से आप बड़ा कट कर सकते हो। तो ये मैं छोटा बता रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, जब बड़ी कटिंग हम करते हैं तो इंच टेप से मापते हैं। ये देखिए, ये जो है ये इंच टेप है। तो हम क्या करेंगे, जब पेपर पे छोटा वाला हम कट करेंगे पहले, तो छोटे वाले पे कट करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए सेंटीमीटर से कट करना होगा। सेम साइज़ हम सेंटीमीटर से कट करेंगे। ये देखिए, इधर से सेंटीमीटर है, ये जो छोटा छोटा रहता है ना, ये देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे जो है ए साइड, ये जो छोटा है ये सेंटीमीटर बोलते हैं। तो आपको छोटी कटिंग करना है तो छोटी अगर कटिंग करना है तो आपको इसे सेंटीमीटर से ही कटिंग करना है। अगर आपको बड़ी कटिंग करना है तो आपको इंच से कट करना है, तो इसको बोलते हैं इंच और ये है सेंटीमीटर। इसी में आपको पीछे साइड सेंटीमीटर मिलेगा। ये देखिए, एक साइड आपको इंचेस मिलेंगे, एक साइड सेंटीमीटर मिलेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर से कट करेंगे। तो बिल्कुल आप छोटे कपड़े पे आप इस तरह पहले आप पेपर कटिंग करें, उसके बाद एक छोटे से कपड़े पे आप कट करके उसको सिए हाथ से, उसके बाद आप बड़ी कटिंग करिए। बड़ी कटिंग आप इस तरह यहाँ से इंचेस से लीजिएगा, उसके बाद आप बड़ी कटिंग पे आप आराम से कर सकते हो। उसके बाद आप कपड़े पे कटिंग करके आप सी सकते हो बड़ा, लेकिन पहले आपको छोटे छोटे ही सीखना होगा, क्योंकि जो बिगिनर्स रहते हैं, जो शुरुआत में रहता है ना, प्रॉब्लम होती है। तो शुरुआत की कटिंग आप पेपर से ही करें। आइए अभी हम आपको बताते हैं तो क्या करना है। सबसे पहले ये देखिए, पहले लंबाई लेना है, जितनी आपको लंबाई लेना है उससे आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई के लिए। ऊपर भी सिलाई में जाएगा, नीचे भी सिलाई में जाएगा। तो अभी क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये देखिए, ये इस तरीके से फोल्ड है पेपर। क्या करना है, इसको लंबाई का निशान लगाना है इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से रखना है लंबाई का निशान। जितना आपका लंबा लेना है ना आप ले सकते हो। ये 5 से 6 साल की बेबी का है, या 4 साल की बेबी के लिए भी आराम से आ जाएगा। अगर बेबी 4 साल की बेबी अगर लंबी है तो वो भी आ जाएगा, या 5 से 6 साल की रही तो भी आ जाएगा। तो आपको यहाँ से ऊपर से इस तरीके से टेप को डालना होगा, आपको जितना लंबा लेना है। ये देखिए, सपोज़ आपको लेना है 25 इंच, तो आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 25 इंच तैयार आएगा, 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। देखिए 27 इंच पे मैं यहाँ पे मार्क करूँगी इस तरीके से। ये देखिए, मैं यहाँ पे इस तरीके से मार्क किया है, आप देख सकते हो। ये हो गया हमारा लंबाई, पहले लंबाई लेना है फिर 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई के लिए। अभी क्या करना है यहाँ पे, ये देखिए, यहाँ से लेना आपको, ये देखिए ये जो सेंटीमीटर रहता है ना, इसी से लेना है। तो शोल्डर कितना लेना है, पाँच या 5.5 इंच, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इस तरह मार्क किया है। अब यहाँ से बगल का निशान लगाना है, यहाँ पे 5 इंच पे इस तरीके से मैंने निशान लगा लिया है। ये देखिए, ये बगल के लिए, बगल की लंबाई का निशान हो गया। अभी हम यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाएंगे, यहीं से करेक्ट यहीं से आपको चेस्ट का निशान लगाना है। देखिए आपके बेबी का जितना साइज़ समझो 13 इंच है, तो इसका हाफ हो गया 6.5 इंच। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6.5 इंच जहाँ पे देखिए, ये 6 इंच है, इसके आगे का जो है यहाँ पे 6.5 इंच इस तरीके से मार्क लगाना है यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ से ये 6.5 इंच पे हमने इस तरीके से मार्क लगा लिया है। अभी यहाँ से ऊपर से हम एक मार्क लगाएंगे, ये हमारे कमर के लिए होगा, और यहाँ से चाक के लिए निशान लगाएंगे हिप के पास, एक और निशान। आप अपनी बेबी के अकॉर्डिंग लगा सकते हो,
14 या 15 आएगा तो आप उतना ही लगा लें, आपको जितना होना है आप उतना लगा लें। अभी हम ये देखिए, ये यहाँ पे ये 6.5 इंच का हमने यहाँ पे मार्क किया था, अभी हम यहाँ पे लेंगे 6 इंच। तो यहाँ पे जो है ये थोड़ा कम आएगा वेस्ट में। अभी इन दोनों मार्क को इस तरीके से मिला लेंगे। ये देखिए, अभी हम यहाँ पे हिप का निशान लगा लेंगे। ये 6.5 इंच या 7 इंच भी आ सकता है आपकी बेबी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम 7 इंच पे मार्क लगा लेंगे इस तरीके से। अभी हम फिर यहाँ से इसको भी इसी तरीके से मिला लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से मिला लिया है। यहाँ पे दामन का निशान लगा लेना है नीचे। दामन भी हम यहाँ पे 7 इंच पे लगा लेंगे। अगर आपको स्ट्रेट कट करना है तो 7 इंच पे लगाइएगा, अगर आपको थोड़ा चौड़ा दामन होना है तो आप 7.5 पे भी निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे 7.5 वाला हम आपको बताएंगे इस तरीके से। अगर आपको स्ट्रेट है तो आप जितनी आपकी हिप है आप उतना ही दामन का भी लगा लें। तो ये 7.5 पे इस तरीके से मैंने निशान लगा लिया है। अब यहाँ से भी इसको मिला लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे इन मार्किंग को इस तरीके से मिला लेना है। ये देखिए, इस तरीके से मिलाने के बाद अभी ये तो ये फिटिंग का निशान हो गया। अभी हम यहाँ पे क्या करना है, मार्जिन के लिए जो सिलाई के लिए चाहिए उसके लिए निशान लगाएंगे। तो 1.5 इंच हम यहाँ पे लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे भी 1.5 इंच लेना है, आप चाहे तो 2 इंच भी ले सकते हो, ये आपको सेंटीमीटर से ही लेना है। पेपर पे आप कटिंग कर रहे हो ना तो सेंटीमीटर से ही लेना। यहाँ पे सिर्फ 1 इंच लेंगे क्योंकि हिप के पास ज़्यादा नहीं, 1 इंच ही चाहिए। यहाँ आप या 2 इंच या 1.5 इंच भी रख सकते हो, यहाँ पे 1 इंच ही रखना है और नीचे भी 1 इंच ही रखेंगे। यहाँ ये दो जगह है, यहाँ पे 1-1 इंच आएगा और यहाँ पे 2-2 इंच या 1.5-1.5 इंच आप मार्जिन रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ से इसको इस तरीके से मिला लेंगे। इन मार्किंग को इस तरीके से मिला लेना है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसको मिला लिया है। आप पहले पेपर ही कटिंग करें उसके बाद आप कपड़े पे कटिंग कर सकते हो। अब यहाँ पे बगल का निशान लगा लेना है यहाँ से इस तरीके से। ये देखिए, तो यहाँ से इसको इस तरीके से शेप देना है बगल के लिए। ये हो गया। अभी हमें क्या करना है, गले के लिए निशान लगाएंगे यहाँ पे 2 इंच पे। ये गले का निशान हो गया, ये हो गया लंबाई का निशान। यहाँ पे 3 इंच पे, 3 या 3.5 इंच ले सकते हो। ये देखिए 3.5। तो अब हम यहाँ पे इसको इस तरीके से मिला लेंगे और यहाँ पे इसको राउंड कर देंगे। और पीछे के गले के लिए 3 या 2 भी रख सकते हो इस तरीके से। अभी यहाँ से क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे डाउन करना है। ये देखिए, यहाँ पे इस तरीके से इस यहाँ से थोड़ा सा हम यहाँ पे डाउन करेंगे। ये 1/2 इंच आपका डाउन होना चाहिए। अभी देखिए, इसको मैं कटिंग करके बताऊंगी। ये देखिए, इस तरीके से कटिंग करना है। अब ये पीछे का गला इस तरीके से, ये देखिए। तो सामने का गला अलग से कट करना होता है। तो ये हो गया हमारा एक पार्ट कुर्ती का। तो दूसरा पार्ट कट करने के लिए दूसरा पेपर लेना है। यहाँ पे एक और पेपर मैंने लिया है,
ये देखिए इस तरीके से इसको रखना है, एक फ्रंट पार्ट एक बैक पार्ट होगा, तो इस तरीके से फोल्ड करके ये फोल्ड देखिए इस तरीके से फोल्ड होना है, ये फोल्ड साइड ये भी फोल्ड साइड, आप इसको इस तरीके से अच्छे से रखें और यहाँ पे इसको मार्किंग कर लें एग्जैक्ट, आपको इसी तरीके से मार्किंग कर लेना है इसके ऊपर रख के। पहले ये गले का हो गया, यहाँ पे ये शोल्डर का, उसके बाद ये बगल को आप इस तरीके से एग्जैक्ट मार्क कर लेना है और यहाँ से भी। ये देखिए यहाँ पे मार्किंग हो चुकी है, अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। ये कुर्ती का एक बैक पार्ट और एक फ्रंट पार्ट होगा, ये देखिए ये दोनों पार्ट एक फ्रंट के और बैक के। तो अब हमें क्या करना है, फ्रंट वाला नेक कट करना है। ये देखिए गला, क्योंकि फ्रंट वाला गला थोड़ा बड़ा होता है ना, ये देखिए ये फ्रंट वाला, ये बैक पार्ट। अब हमें क्या करना है बैक पार्ट में, ये देखिए ये इसको मैंने ओपन किया, अभी यहाँ क्या करना है पीछे हुक लगाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे सेंटर में कटिंग करना होता है। तो ये आप 3 से 4 इंच रख सकते हो, इस तरीके से निशान लगाना है, स्ट्रेट यहाँ पे कटिंग करना है। ये देखिए ये यहाँ पे हुक्स आएंगे इस तरीके से, यहाँ पे एक पट्टी लगेगी हुक्स वाली। तो ये हमारा कुर्ती का पीछे का पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट, ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ पे आप आस्तीन कट करने के लिए देखिए, आप चाहे तो हाफ आस्तीन ले सकते हो, फुल आस्तीन ले सकते हो। तो अभी क्या करना है, पेपर ले लेना है अभी, तो यहाँ से इसका नाप लेना है टेप से। इस तरीके से आपको राउंड में करते हुए नाप लेना है, तो ये 6 इंच आएगा। तो अभी क्या करना है, पेपर को हम ले लेंगे, ये डबल कर लेंगे इस तरीके से। तो ये हमारे दोनों स्लीव्स निकल के आएंगे। अभी 6 इंच जो हमने बगल नापा था, पहले हम यहाँ पे देखेंगे 6 इंच है, देखिए यहाँ पे 6 इंच आ गया है, ये 6 इंच है। और लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो जितनी आपको चाहिए, अगर आप फुल आस्तीन बनाना चाह रहे हो तो फुल भी ज़्यादा भी ले सकते हो। अगर आप आस्तीन बनाना चाह रहे हो तो आप अपनी बेबी के अकॉर्डिंग जितने आपको चाहिए लंबाई आप ले सकते हो, उसमें आपको 2 इंच एक्स्ट्रा रखना सिलाई के लिए। तो मैं आपको फुल आस्तीन का बताऊंगी, आप चाहे तो हाफ आस्तीन भी कट कर सकते हो या फुल भी कट कर सकते हो। तो ये फुल आस्तीन के लिए मैंने इस तरीके से पेपर लिया है लॉन्ग, इसको मैंने डबल किया है, दोनों आस्तीन कट होंगे यहाँ पे। ये देखिए ये फोल्ड साइड है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 6 इंच पर मार्क लगा लेंगे। देखिए हमको 6 इंच ही चाहिए बगल, यहाँ पे 6 इंच पे मैंने मार्क किया है। अभी लंबाई लेंगे, आपकी बेबी का अगर लंबाई 10 इंच है आस्तीन की तो आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई के लिए, या 10 इंच मैंने लिया है, यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए। तो यहाँ से सीधे लाइन ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से, और यहाँ पर कलाई का निशान लगाना है। देखिए इस तरीके से ये जो रहता है ना यहाँ का कलाई का निशान, ये या आपके बेबी का जितना है आप रख सकते हो, 4 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। आपके बेबी का कम या ज़्यादा भी हो सकता है, आपको यहाँ
डेढ़ से दो इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई के लिए। इस तरीके से मार्जिन का आप कंपलसरी लेना है, वरना टाइट हो जाएगा। अभी यहाँ से देखिए बगल का निशान लगा लेंगे हम। अभी यहाँ से क्या करना है आपको, दो इंच इस तरीके से एक मार्क लगा लेना है बगल के तरफ। आपको अच्छे से मैं समझा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। दो इंच पे मैंने इस तरीके से यहाँ पे निशान लगा लिया है। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से शेप देना है। ये देखिए, ये हो गया हमारा आस्तीन का शेप बगल का। अभी यहाँ क्या करेंगे, इसको इससे मिला लेंगे। अभी इसकी कटिंग करेंगे। आप पेपर पे पहले कटिंग करिएगा, फिर उसके बाद आप कपड़े पे कटिंग करिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। तो ये कुर्ती के दोनों आस्तीन, ये फुल हैंड्स वाला है। अगर आपको हाफ चाहिए तो आप हाफ भी ले सकते हो। सेम इसी तरीके से कट करना है। देखिए आपको जितना, आपको यहाँ तक हाफ जितना आपको चाहिए लंबाई, चार इंच या पाँच इंच, सपोज़ आपका चार इंच लंबाई है उसमें दे, यहाँ पे रख के बताती हूँ, चार इंच, और यहाँ देखिए ये चार इंच है, और दो इंच आपको एक्स्ट्रा चाहिए सिलाई के लिए, तो टोटल छः इंच आपको लेना है। इसी तरीके से यहाँ पे बगल के लिए इस तरीके से निशान लगा के, इस तरीके से आपको कलाई का भी, यहाँ पे कलाई का तो यहाँ पे कम आएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रहता है ना, तो ये हिस्सा आपको थोड़ा ज़्यादा लेना है आपके बेबी के अकॉर्डिंग, और डेढ़ से दो इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है सिलाई के लिए। उसके बाद यहाँ से लेने के बाद इस तरीके से आएगा, यहाँ से इसकी कटिंग होगी। कटिंग करने का तरीका सेम रहेगा, बस आपकी बेबी की चौड़ाई के अकॉर्डिंग रहेगा। ये देखिए हाफ आस्तीन या फुल आस्तीन। तो इस तरीके से बहुत ईजी तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश की हूँ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। इसी तरीके से और भी वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके से आपको बहुत इजी कटिंग और स्टिचिंग मिलेगी मेरे चैनल पे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।